शराबबंदी कानून को लेकर बिहार एक बार फिर चर्चा में है। जहरीली शराब पीने से मौत की घटना के बाद नेताजी लगातार बयान दे रहे हैं। शराबबंदी को हटाने की मांग उठने लगी है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनकी सरकार बनी तो वो शराबबंदी कानून को ही हटा देंगे। जनसुराज की सरकार बनी और एक घंटे में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। जनसुराज की सरकार बनी और एक घंटे में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। वह 1 अप्रैल 2016 का दिन था जब पूरे तामझाम के साथ बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था। सवाल उठता है कि तब से आज तक सरकार को करीब 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने के बाद हासिल क्या हुआ। गांव गांव में शराब बनाने का गोरख धंधा शुरू हो गया, होम डिलीवरी शुरू हो गया, जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या को लेकर राजनीति शुरू हो गया। बिहार में कहा जाता है कि शराब बंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। ये सत्ता में बैठे लोग, माफिया अधिकारी, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है। और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है। तेजस्वी जी क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अगर हाथ में घाव हो जाएगा तो घाव हाथ काट दीजिएगा क्या? अरे शराबबंदी एक नीति है और उस नीति से आप सर्वे करके देख लीजिए बिहार में कितने ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज खुश हैं। बेशक शराबबंदी कानून बिहार जैसे राज्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, पर बिहार की पुलिस इसको रोक पाने में पूरी तरीके से विफल हुई। नतीजा आपके सामने है। अब बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर नए सिरे से विचार करने की चर्चा जोर पकड़ने लगा है। कई लोगों ने बताया कि वर्तमान हालात को देखते हुए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। लोगों का कहना है कि बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन होना अब बहुत जरूरी हो गया है। सार्वजनिक स्थल पर शराब का सेवन करने, शराब पीकर वाहन चलाने और शराब पीकर हुल्लड़बाजी करने या घरेलू हिंसा करने पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ सरकार को शराबबंदी कानून हटा देना चाहिए। लोग बताते हैं कि कानून कठोर हो और सजा का प्रावधान इतना पुख्ता कि कानून का उल्लंघन करने वाला किसी भी सूरत में बच नहीं पाए। इससे शराब के दुष्परिणाम की रोकथाम में मदद होगी और राजस्व का हो रहा नुकसान भी न्यूनतम स्तर पर जा सकता है या किया जा सकता है। इतना तो तय है कि वर्तमान कानून पर पुनर्विचार जरूरी हो गया है और सरकार को इसको गंभीरता से सोचना चाहिए।